Uh, बिसमिल्ल रही जो डीप सर्वाइकल फेशिया है ऑल्सो कॉल्ड इस फेशिया को लाए दैट इज़ कंडेंस टू फॉर्म फॉलोइंग लेयर्स वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली द इन्वेस्टिंग लेयर ठीक है अब ये जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है ना डीप सर्वाइकल फेशिया की दैट इज़ द वन दैट इज़ लाइंग डीपर टू योर प्लाटिज़मा प्लाटिज़मा हमारे सुपरफिशियल फेशिया के बाद आता है सबसे पहले सुपरफिशियल फेशिया फिर प्लाटिज़मा और फिर आती है आपकी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया ठीक है और आप ये देख रहे हो कि इसका जो एक्सटेंट है दैट इज थ्रू आउट द नेक सो इट इज एक्सट सराउंडिंग द नेक लाइक अ कॉलर ठीक हो गया अच्छा अब हमने देखना है कि इसकी अटैचमेंट सुपीरियरली क्या है इन्फीरियरली किन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड है और फिर इंटीरियरली किन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड है पोस्टीरियरली किन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपीरियरली यानी कि ऊपर से ये किस स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंट्स ठीक हो गया फिर उसके बाद ये आएगा फ्रॉम द सुपीरियर न्यूकल लाइन ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा मैस्ट्रॉइड प्रोसेस मैस्ट्रॉयड प्रोसेस के साथ ही होता है एक और चीज़ दैट इज कॉल्ड इज द एक्सटर्नल अकोस्टिक मीआटस ठीक है और फिर आ जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ मैंडबल के बाद द बेस ऑफ द मैंडबल ठीक है अब उन्होंने कहा कि बिटवीन द मैस्ट्रॉयड प्रोसेस एंड द एंगल ऑफ द मैंडबल यहाँ से देख लेते हैं बिटवीन द मैस्ट्रॉइड प्रोसेस एंड द एंगल ऑफ द मैंडबल ये जो इन्वेस्टिंग लेर होती है ऑफ द डीप सर्वाइकल फीशिया ये स्प्लिट हो जाती है टू इनक्लोज द पेरोटेड क्लैंट ठीक है अब क्या होता है कि ये इसका होता है इन्वेस्टिंग लेयर जो ये स्प्लिट करती है टू इनक्लोज द पेरोटेड क्लांड दिस इज़ एक्चुअली द सुपरफिशियल लेमिना ठीक है इस सुपरफिशियल लेमिना को हम पेरोटेड फेशिया भी कहते हैं और ये बहुत थिक लेयर uh, होती है इट इज़ अ वेरी अन यील्डिंग इसकी नेचर होती है ठीक है जैस थिक एंड टेंस और देखो ये ये हमारे पास मैंडबल है तो ऊपर इसके क्या होगा यहाँ पर हमारी हमारा फेस की चीक पोन होगी जैकोमैटिक आप इसको थोड़ा थ्री में इमेजिन करो ना कि इस तरह समझो और ये बिल्कुल इसके ऊपर है ठीक है तो ऊपर किसके साथ जाकर लग रही है दैट इज़ अटैचिंग टू द जैकोमैटिक आर्ट ठीक हो गया जबकि जो डीपर लेमिना है वो थोड़ा थिन होता है विद कंपैरिजन टू तो द सुपरफिशियल लेमिना ये इसके नीचे से गुजरता है बेसिकली ठीक है ये इसके राइट लेफ्ट नहीं होता इसके नीचे से होता है एक्चुअली डीप है ना और वो अटैच होता है टू तो द स्टाइलॉइड प्रोसेस और ओबियसली सोचो ना मैंडबल के थोड़ा नीचे की तरफ क्या होगा स्टाइलॉइड प्रोसेस सो द डीपर लेमिना इट इज़ थिन एंड दैट इज़ गेटिंग अटैच्ड टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस ठीक है द टिम्पैनिक प्लेट एंड द मैंडबल ठीक हो गया तो ये ऊपर अटैच हो रहा है टू द जाइगोमैटिक आर्च और ये मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट राइट लेफ्ट इट्स एक्चुअली अबव एंड बिलो ठीक है एंड वो अटैच हो रहा है टू द जाइगोमैटिक आर्च और ये अटैच हो रहा है टू द टिम्पैनिक प्लेट ठीक है टू द मैंडबल एंड टू द प्रोसेस अगली वो बात ये कह रहा है ठीक है दैट बिटवीन द स्टाइल प्रोसेस एंड द एंगल ऑफ द मैंडबल ये जो डीप लेमिना है दैट इज थेड और वो यहाँ पर क्या बना रहा है एक स्टाइलो मैंडबिलर लिगमेंट बना रहा है एंड दिस स्टाइलो मैंडबिलर लिगमेंट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द पेरोटेड क्लैंड फ्राम दिस सब मैंडबिलर्स लाइवरी क्लांड ठीक है अब ये जो हमारे पास स्टाइलो मैंडबिलर लिगमेंट है दैट इज पियर्स टू बाईन आर्ट्री दैट इज कॉल्ड इज द एक्सटर्नल कैरोटेड आर्ट्री मतलब एक्सटर्नल कैरोटेड आर्ट्री ऊपर से नीचे मतलब कि नीचे जा रही है इसको पियर्स करके थोड़ा थ्री में इमेजिन करो ना कि ऐसे करके नीचे जा रही है ठीक है ना नीचे जा रही है तो जब आप रिट्रैक्शन करते हैं, हैंजन करते हैं सब मैंडेबर स्लाइब्री ग्लैंड की ड्यूरिंग सर्जरी तो आपने इस एक्सटर्नल के रोटेड को क्या कहते हैं बांध के रखना होता है या लाइगेट करके रखना होता है या उसको मैनेज करना होता है ठीक है ना Uh, यहाँ पे उन्होंने कहा ये सिक्योर करना होता है एक्जैक्टली द रियल वर्ड इज सिक्योर दैट यू नीड टू सिक्योर द एक्सटर्नल केरोटोडाटरी बिफोर द एक्सेशन ऑफ द सब मैंडेबिलर्स लाइवरी ग्लैंड क्योंकि अगर ये इसको कोई डैमेज होगा तो दैट विल लीड टू सीरियस ब्लीडिंग ठीक हो गया अच्छा यहाँ तक हमने कर लिया हमने कहा कि एट नाउ नाओ फर्दर ये हमने इसने पेरोटेड ग्लैंड को स्प्लिट करके इसने पेरोटेड ग्लैंड को इनक्लोज कर लिया नाउ अगेन एट द बेस ऑफ द मैंडबल इस एंगल ऑफ मैंडबल के आगे क्या आती है बेस ऑफ द मैडबल सो एट द बेस ऑफ द मैंडबल इट इज गोइंग टू इनक्लोज दिस सब मैंडबल और स्लाइवरी ग्लान्ड अब यहाँ पर भी एक सुपरफिशियल लेमना एंड अ दर इज़ अ डीपर लेमना एन अगेन ये वाला सुपरफिशियल है जो कि उसके ऊपर है एंड दिस वन इज़ एक्चुअली द डीपर लेमना जो इसके नीचे है ठीक है और यहाँ पे जो सुपरफिशियल लेमना है वो अटैच हो रहा था टू तो द बेस ऑफ द मैटेबल और जो इसका क्या कहते हैं डीपर दी, लेमना होता है ठीक है ना वो अटैच हो रहा होता है इसकी आ, इसको इस तरीके से कि इसको ये अटैच कर रहा होता है इसकी मीडियल साइड को टू तो द माइलो हाइवाइट लाइन आप मेरी ना उसकी वीडियो देखो सब मैंडबलर स्लाइवरिक लैंड की तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे पास मैंडबल होता है ठीक है और ये हमारे पास स्लाइव सब मैंडबलर स्लाइवरिक लैंड है डीपर लेमना अटैच है टू द बेस ऑफ द मैंडबल ठीक है और जो इस सॉरीपर सुपरफिशल लेमना जो है वो अटैच ओवर टू द बेस ऑफ द मैंडबल और जो डीपर लेमना है वो अटैच टू द लाइन ठीक है आई होप समझ आ गया होगा ठीक है सो वी हैव गॉट अ सुपरफिशियल लेमिना दैट इज़ गेटिंग अटैच टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द बेस ऑफ द मैंडबल या बॉडी ऑफ द मैंडबल एंड द डीपर लेमिना इज एक्चुअली गेटिंग अटैच टू द माइलोहाइट लाइन ठीक है आगे इसके बाद इन द प्रोसेस इट इज़ ऑल्सो इनक्लूजिंग द सुपर क्लेविकुलर एंड द सुपर स्टर्नल स्पेसिस उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे अब इन्फीरियरली किन किन के इंस्ट्रक्टर्स के साथ जाकर लगता है ठीक है so, सो इन्फीरियरली आपने ना बस इमेजिन करना है अच्छे तरीके से कि पीछे हमारे पास क्या होता है ये स्कैपिला होता है सही है तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा ठीक है ये स्कैपिला है अगर तो ये होता है ना हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्कैपुला इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बिल्कुल आगे आ जाता है आपका एक्रोम्योन प्रोसेस एंड द क्लेविकल और क्लेविकल के आगे आ जाती है आपकी मेन्यूब्रियम ठीक है सो वी हैव द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला ठीक है ना द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला द एक्रोम्योन प्रोसेस द क्लेविकल एंड द मेन्यूब्रियम ठीक हो गया दिज आर एक्चुअली द इन्फीरियर रिलेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया अब हमें देखना है कि ये पोस्टीरियरली किसके साथ अटैच्ड है सो पोस्टीरियरली इट इज़ अटैच टू द लेगमेंटम न्यूकी जो कि स्पाइन जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ना इनकी स्पाइन पे जाके एक लिगमेंटम न्यूकी लगता है स्पाइन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री ठीक है एंड द स्पाइन ऑफ द सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा विच इज ऑल्सो कॉल्ड दिस वर्टिब्रा प्रोमिनेंस ठीक है ना बिल्कुल क्लियरली प्रोमिनेंट होता है हमारी नेक में नेक के पोस्टीरली सो so, पोस्टीरियरली ये इसके साथ लग रहा है लिकिमेंटम न्यूकी एंड द स्पाइन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री और इंटीरियरली किसके साथ लग रहा है ऑब्वियसली वी हैव द सिम्फिस मेंटी एंड द हाइयड बोन इसके साथ लग रहा है ठीक है और ये कि ये एक साइड से सिर्फ नहीं होता बल्कि इट इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द नेक ठीक हो गया अच्छा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Uh, ये किस किस चीज को इंक्लोज़ करता है वन ऑफ देम इज द स्टर्नो क्लीडोमेस्टोइॉइड मसल एंड द अदर वन इज ट्रपीसीस दूसरा मैंने आपको बताया था स्टर्नल और सुप्रा क्लेविकुलर स्पेसिस को इनक्लोज करता है पेरोटेड ग्लैंड और सब मैंडेबल स्लाइडली ग्लैंड को इनक्लोज करता है ठीक हो गया अब हमने देखना है फर्दर दैट वॉट इज स्पेस ऑफ बर्न्स और द स्टर्नल स्पेस a suprasternal space suprasternal space is also called as the space of burns. थेके? and that contains the sternal heads of the right and the left sternocleidomastoid muscle. it also contains the jugular venous arch. it contains the jugular venous arch, lymph node, and the interclavicular ligament. take a jugular venous arch, the sternal heads of the right and the left sternocleidomastoid muscle, the lymph node, and the interclavicular ligament. ठीक हो गया एंड देन वी ऑल्सो हैव अ सुपरा क्लेविकुलर स्पेस उसमें हमारे पास क्या क्या होता है जो सुपरा क्लेविकुलर स्पेस है दैट कॉन्टेन्स अब यहाँ पे अगर जुगुलर वीनस आर्ट जाए तो सुपरा क्लेविकुलर स्पेस जो क्लेविकल के ऊपर है वहां पर होता है एक्सटर्नल क्लेविकुलर लेगमेंट ठीक है एक्सटर्नल क्लेविकुलर सॉरी एक्सटर्नल क्लेविकुलर लेगमेंट बोल रहे हो एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स कुटेनियस वजल्स इंक्लूडिंग द नि्फाटिक्स क्या क्या होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन सुपरा क्लेविकले नर्व एंडियस वेजल्स इंक्लूडिंग द लिम्फैटिक्स इसके अलावा उन्होंने कुछ और मॉडिफिकेशनस की बात की है दैट इट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग अ पुली ठीक है ना यही इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ पुलिस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द टेंडेंस ऑफ द डायस्ट्रिक एंड द ओमोहायोइड मसल्स इट इज़ फॉर्मिंग द रूफ ऑफ ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ द नेक ऑफ़ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ट्राइंगल का यह रूफ बना रहा है ठीक है एंड ऑब्वियसली इट इज फॉर्मिंग द स्टाइल ऑफ मैडबिलेगमेंट विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ठीक है